श्री किरण रिजिजू जी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान विकास सिंह जी और देश के न्याय व्यवस्था से जुड़े देवियों और सज्जनों, आज सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच में हूं। हम सभी की अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग जिम्मेदारियां और काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। माननीय, आजादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसीबतों में झोंक दिया था। किसी युग में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी, भुखमरी, बीमारी से जूझ रहा था। इस पृष्ठभूमि में देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए, वो आज हमसे काफी आगे है। यानी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है। हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में इंक्लूजन पर कितना जोर दिया गया है, लेकिन यह भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग एक्सक्लूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं। वो करोड़ों लोग जिनके घरों में शौचालय तक नहीं था, वो करोड़ों लोग जो बिजली के अभाव में अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, वो करोड़ों लोग जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष घर के लिए थोड़ा सा पानी जुटाना था, उनकी तकलीफ, उनका दर्द समझकर उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना मैं संविधान का असली सम्मान मानता हूं। और इसलिए आज मुझे संतोष है कि देश में संविधान की इस मूल भावना के अनुरूप एक्सक्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगीरथ अभियान तेजी से चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है,
ये भी हमें समझना होगा। जिन 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोड़ों गरीबों की पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है। ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं, सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी ठेले पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से ना उम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती, और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास, इन सभी क्षेत्रों पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है, तो बड़ी उदारवादी कहलाती है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है कि उनके लिए कुछ किया। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाध राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं, तो भी वाहवाही हो जाती है। लेकिन
जब सरकार सबके लिए करती है, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 7 वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के विकास के हैं हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है। आज इसने देश की तस्वीर कैसे बदली है, ये हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर कम हो रही है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है। ये बहुत आवश्यक है कि जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो, किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था, पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन ये परियोजना दशकों तक अपप्रचार में फंसी रही, पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही, न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे, वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था। लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ, विकास का कार्य हुआ, आज हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है। कच्छ को इस एक प्रकार के रेगिस्तान जैसा इलाका, तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह बन गई है। कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ, पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ, आज एग्रो एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है।